राजस्थान की झीलों की बात करें हम, राजस्थान में झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष हैं, और मीठे पानी की झीलें हैं, इन्हें ताजे पानी की झील भी कहते हैं, और ये वर्षा जल के द्वारा निर्मित होती हैं। मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक उदयपुर में हैं, जबकि खारे पानी की झीलें हम देखें सर्वाधिक नागौर में हैं। तो खारे पानी की झील कौन कौन सी हैं? तो टोटल यहाँ पर 12 खारे पानी की झील हैं, जैसे सांबर है उधर जयपुर में, पंचमंद्रा बाड़मेर में, डीडवाणा नागौर में, नाभा नागौर में, डेगाना नागौर में, कुचामन नागौर में, लूणकरणसेण बीकानेर में, काबोद है जैसलमेर में, फलौदी है जोधपुर में, रेवास सीकर में, काछोर सीकर में, और ताल छापड़ चूरू में। सांबर झील की बात करें, इसके निर्माता थे वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के भीलवाड़ा के अनुसार ये बताया गया है। और यहाँ पर क्यार क्या होता है? सांबर से प्राप्त नमक को यहाँ पर क्यार कहते हैं। सांबर से नमक प्राप्त करने वाली कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 को हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन है, और भारत का कुल 8% नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। सांबर झील देश की 30वीं सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि नमक प्राप्त करने में देश में इसका प्रथम स्थान है। सांबर से जो नमक उत्पादन किया जाता है, राजस्थान का 80% से अधिक और देश का 8% यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता है। सन 1990 में सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट वेटलैंड या आर्द्र भूमि या नम भूमि, जहाँ पक्षियों या जीवों को संरक्षण मिलती है। राज्य में दो रामसर साइट हैं, एक तो घना पक्षी विहार भरतपुर में है, प्रसिद्ध साइबेरियन सारस क्रैन के लिए प्रसिद्ध है, और एक है सांबर जयपुर में प्रसिद्ध है, पक्षी राजहंस जो कि गुजरात के आते हैं, यहाँ पर कुरंजा पक्षी जोधपुर से यहाँ पर आते हैं। पंचमंद्रा झील की बात करें हम, तो पंचमंद्रा झील, इस झील का नमक सर्वाधिक खारा होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। इस कारण इसे सर्वश्रेष्ठ नमक कहा जाता है। खारवाल नमक प्राप्त करने वाली जाति है। मुरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक के स्फटिक बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। कोसिया पंचमंद्रा में नमक बनाने वाले कुएं हैं, और डीडवाणा नागौर के अंदर है। इस झील का सबसे घटिया किस्म का नमक होता है, और इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। कांच उद्योग व पेपर उद्योग में इसको काम में लिया जाता है। यह राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स रासायनिक कारखाना यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जैसे कि मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील जैसे जैसलमेर झील है उदयपुर में है। तो यहाँ पर क्या होता है, निर्माता थे यहाँ पर महाराजा जयसिंह। निर्माण काल 1685-1691 में। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। जैसलमेर झील पर 7 टापू हैं। बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा कहलाता है, भांगड़ा, और छोटा टापू प्यारी कहलाता है। इन टापुओं में रहने वाली जनजाति भील मीणा है। तो यहाँ पर जो गोमती नदी है, यहाँ पर जो जाति रहती थी भील मीणा रहते थे, और यहाँ से दो नहर निकाली गई है। एक तो जैसलमेर झील से बाट नहर निकाली गई है, एक श्यामपुरा नहर यहाँ से निकाली गई है। राजसमंद झील राजस्थान की मानव निर्मित झील सबसे बड़ी झील है। ताजमहल व रूठी रानी का महल इस झील के किनारे चित्रित है। इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलीय जीवों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है। श्यामापुरा और भाट नहरें सिंचाई के लिए जैसलमेर झील से निकाली गई हैं। फिर बात करते हैं नक्की झील की। नक्की झील, इसका निर्माण लोक कहावतों के अनुसार देवताओं के नाखून से हुआ है, और यह एक क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी झील है। ज्वालामुखी फटने की वजह से झील का निर्माण हुआ है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, और राजस्थान की जमने वाली एकमात्र झील है। राजस्थान का सबसे गहरी झील, 35 मीटर इसकी गहराई है। इसके पास पाई जाने वाली चट्टानें हम देखें, जैसे टॉड रॉक जो कि मेंढक जैसी चट्टान मिलती है इसके सारे किनारे, नदी रॉक यानी शिप के बैल जैसी, नंदी रॉक है शिप के बैल जैसी चट्टान मिलती है, नन रॉक है घूंघट ओढ़े दुल्हन जैसी चट्टान यहाँ पर मिलती है। सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है यहाँ का सूर्यास्त, और हिल स्टेशन वाली झील यहाँ पर कह सकते हैं इसको। यहाँ पर गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है। तो यहाँ पर हम देखें राजसमंद झील की। राजसमंद झील सर्वाधिक लोगों का यहाँ पर योगदान रहा है। राजसमंद झील में इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था 1662 में। नदी गोमती नदी के किनारे ही है राजसमंद झील, और जैसलमेर झील भी गोमती नदी के किनारे है, और यह देश की प्रथम अकाल राहत की झील है ये बताई जाती है। और यहाँ पर दो मंदिर बनाए गए हैं, एक तो द्वारकाधीश मंदिर बनाया गया है, एक होवर माता का मंदिर भी यहाँ पर बनवाया गया है। यहाँ पर नौचौकी की पालवी है, और इसी राजसमंद झील पर एक शिलालेख है जिसमें 25 शिलालेख यहाँ पर आते हैं, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। इस झील के निर्माण में सर्वाधिक लोगों का यानी 60,000 लोगों का योगदान है। नौचौकी की पाल यानी सीढ़िया राजसमंद झील में है। इस झील के किनारे 25 काले रंग के संगमरमर के शिलालेख हैं। इन पर मेवाड़ का इतिहास रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि बप्पा रावल ने राज सिंह तक का इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रशस्ति में, बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास। द्वारकाधीश मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और घेवर माता की छतरी इसी झील के किनारे बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें, हाल ही में झील के किनारे सूर्य घड़ी के अवशेष हमें मिले हैं। फिर आती है पिछोला झील, उदयपुर में है पिछोला झील। निर्माण 1388 में हुआ था। निर्माता थे बंजारा, राणा लाखा के समय के बंजारा थे। नदी यहाँ पर सी सारमा और बुजड़ा नदी के किनारे है, तो नदी यहाँ पर कौन सी है, सी सारमा और बुजड़ा। तो यहाँ पर हम बात करें पिछोला पर प्रसिद्ध निर्माण, जैसे जग मंदिर है, जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया, ताजमहल की प्रेरणा से बनाया गया था। जग निवास है, जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया। नटनी का चबूतरा है, राणा लाखा के द्वारा बनाया गया। तो जग मंदिर महल, जग निवास, नटनी का चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है, सिटी प्लेस यहाँ पर बनाया हुआ है, देवारी तालाब यहाँ पर बना हुआ है, ड्यूक ऑफ कनॉट फतेह सागर यहाँ पर बना हुआ है और स्वरूप सागर भी यहाँ पर बना हुआ है। शाहजहां ने अपने विद्रोही काल में इसी झील पर शरण ली थी। जग मंदिर से प्रेरित होकर के शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण यहाँ पर करवाया था। स्वरूप सागर नहर है, यह पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। अगर हम बात करें पिछोला झील और फतेह सागर दोनों को क्या जोड़ती है, स्वरूप सागर नहर है ये जोड़ती है। पिछोला का अतिरिक्त पानी फतेह सागर में आता है, तो पिछोला का जो भी पानी है यहाँ पर क्या किसमें आ जाता है, फतेह सागर में आ जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव इसी झील में चलाई गई थी। फतेह सागर की बात करें, उदयपुर में है। निर्माण इसका महाराजा जयसिंह ने करवाया था 1688 में, और पुनः निर्माण इसका फतेह सिंह ने करवाया था 1888 में, यानी 200 साल बाद। और नदी यहाँ पर सीसारमा बुजड़ा में है, और यहाँ पर उपनाम इसको दिए हैं ड्यूक ऑफ कैनॉट, देवाली तालाब और कनाट बांध भी इसको बोलते हैं। फतेह सागर में प्रसिद्ध हम देखें वर्चुअल फिश एक्वेरियम, जो कि 150 पानी के टैंक यहाँ पर लगे हुए हैं, उनमें ये वर्चुअल फिश एक्वेरियम है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर नेहरू उद्यान है, सौर ऊर्जा पाठशाला है, वैधशाला, सौर ऊर्जा वैधशाला है, इस झील के पास गुजरात के सहयोग से ये बनाई गई है। टेलीस्कोप इसी झील के पास बेल्जियम के सहयोग से बनाया गया है। उदय सागर उदयपुर की बात करें, इसके निर्माता थे उदय सिंह। निर्माण काल इसका रहा है 1559 में। नदी यहाँ पर आयर नदी के किनारे की बात है। आयर नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। आना सागर झील की बात करें, निर्माता थे 1136 से 1137 ईस्वी में। निर्माता थे इसके अणुराज, और नदी है यहाँ पर बांडी, बांडी नदी के किनारे ये आना सागर झील है। चश्मा ए नूर झरना और चश्मा ए नूर महल है, अजमेर में है। और प्रसिद्ध हम देखें दौलतबाग या सुभाष उद्यान है, जागीर के द्वारा निर्मित है। वारा दरी यहाँ पर बनाई गई है, शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। पुष्कर झील की बात करें हम, तो उपनाम है पुष्कर झील को क्रेटर झील, ज्वालामुखी झील, पांचवा तीर्थ, कोकण तीर्थ, तीर्थों का तीर्थ कह सकते हैं, तीर्थराज कह सकते हैं, अंध चत्राकार चंद्राकार झील है, बावन घाटा झील भी कह सकते हैं, तीर्थों का मामा भी इसको कहा जाता है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक झील है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। राजस्थान का पुष्कर झील में सफाई कार्य कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। गांधी जी और बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया गया था। मेले में यहाँ पर दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है, इसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। कोलाय झील बीकानेर में मेले का आयोजन भी कार्तिक पूर्णिमा को ही किया जाता है। फाय सागर की बात करें, अजमेर में है, 1891-92 में इसका निर्माण किया गया था। अकाल राहत के लिए राजस्थान की दूसरी झील है ये, प्रथम थी राजसमंद और दूसरी ये फाय सागर है। कोलाय झील की बात करें, बीकानेर में है। प्रसिद्ध कपिल मुनि का आश्रम इसी झील के किनारे स्थित है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में मेला लगता है अजमेर में, और कोलाय बीकानेर में दीपदान की परंपरा है, पुष्कर झील में भी थी ये। और चारण जाति इस झील के दर्शन करने नहीं जाती है। गजनेर की बात करें, गजनेर बीकानेर में है। प्रसिद्ध यहाँ पर गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है, सबसे स्वच्छ झील है गजनेर झील। कायलाना झील है जोधपुर, सरप्रताप झील है राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें इंदिरा गांधी नहर से पानी डाला जाता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से डाला जाता है। सिलिसीड झील अलवर में है, और इसी झील के बीच में विनय विलास महल बना हुआ है, और वर्तमान में RTDC होटल के नाम से संचालित है। तालाबसाई झील की बात करें, जो धौलपुर में है, जहांगीर द्वारा निर्मित है ये, जहांगीर के काल में इसका निर्माण किया गया था। कनक सागर की बात करें, बूंदी में है, और यहाँ पर गैप सागर या एडवर्ड सागर झील जो कि डूंगरपुर में है, अमर सागर जैसलमेर में है, और गढ़सी सागर झील है जैसलमेर में है, मानसरोवर झील है सवाई माधोपुर में है, मानसरोवर झील या कांडला झील है ये झालावाड़ा में है, और पन्ना साय तालाब है ये झुंझुनू खेतड़ी में बना हुआ है। यहाँ विवेकानंद जी रुके थे यहाँ पर पन्ना साय तालाब में।
नंद संबंध है ये राज संबंध में है, और बाल संबंध है ये जिला जोधपुर में है। तो इस तरीके से ये राजस्थान की जिलों के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है।